आप सबके स्नेहिल गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आज मेरी उपलब्धि ये है कि जिन्हें मैं नाम केवल जानती थी वो आज हम लोग की अध्यक्षता कर रहे हैं, चंद्रमौली गुरु जी। मैं चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां आप लोग उनके लिए बजाएं। मैं पढ़ती हूँ बिना किसी भूमिका के, अगर मेरी पंक्तियाँ अच्छी लगेंगी, सच्ची लगेंगी, तो आप सबका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ऐसा है गुरु जी, आज एकदम प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं और खूब आनंद के साथ, और आपका भी सौभाग्य है। और ये हमारी भारतीय परंपरा है, हमारे हिंदुस्तान में वो इन्वर्टर कितना ही पुराना हो जाए लेकिन बैटरी नई बगल में कसी हो तो वो चार्जिंग पूरा उठाता रहता है। तो गुरु आज पूरे आनंद की मुद्रा में विराजमान है, आप एकदम आनंद के साथ पढ़िए, बसंत है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। अब वैसे भी अपने यहाँ प्रचलन है फागुन भर बुढ़वा देवर लागे, ऐसा कहा जाता है, तो आप पढ़िए इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए साहब, हास्य के इकलौते कवि ऐसे एटम है, धुरंधर है अनिल चौबे जी, जो पूरी दुनिया में क्या विश्व में भी जा रहे हैं, तो उनसे निपटना तो बहुत बड़ी बात है। वो उन्हें मैं बड़ा भाई इसीलिए मान चुकी हूँ पहले से, उनसे निपटूँ ना और ना ही उनके मुँह लगूँ, क्योंकि मुँह लगने के लिए मुँह जैसा मुँह होना चाहिए। आइए मैं पढ़ती हूँ, आप लोग गलत 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 वे में ले गए। मैंने कहा कि मुँह जैसा मुँह, मतलब उनका मुँह इतना खूबसूरत है, और आप लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, आप लोग आनंद ले रहे हैं, इसमें हंसने का कौन सा विषय? गुरु जी हैं तो रोज तो आप गोड़े लगती हैं, मुंह लगने की क्या जरूरत है, किसी दिन हाथे लग जाइए। मुंह लगने की क्या जरूरत है, बसंत में हाथे लगिए, मुंह और चरण तो लगते ही लोग रहते हैं। सुनिएगा, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। अरे गुरु जी आप बैठल जाओ, पंक्ति पढ़ल जाता, यही पंक्तियन के अंग्रेजी में लाइन कहल जाला। तो ये पंक्ति पढ़ते ही आप लाइन समझल जाओ, खूब आनंद आई। ओके, थोड़ी सी आप तालियां बजाइए फिर इनका मन बनेगा। आप पढ़िए विभाजी, सुनिएगा। मत जानिए ये प्यार मोहब्बत के फाग हैं, मत जानिए ये प्यार मोहब्बत के फाग हैं, कोयल की बात करते हैं और खुद ही काग हैं, कोयल की बात करते हैं और खुद ही काग हैं, चेहरा जो इनका देखिए लगता है क्या जनाब, मजनू के खानदान के अंतिम चराग हैं, मजनू के खानदान के अंतिम चराग हैं। अरे आप लोगों से अरे हमारे तरफ ऐसे आसान्वित होकर क्यों देख रहे हैं हम? आइए फिर से, फिर होगा, सुनिएगा कुछ पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप लोग विद्यालय पीछे बैठ के पढ़ के आए हैं क्या, कि फिर से आइए मैं पढ़ती हूँ। मुट्ठी में बंद ताबीरों तकदीर हो गई, मुट्ठी में बंद ताबीरों तकदीर हो गई, हटती नहीं निगाह वो तस्वीर हो गई, हटती नहीं निगाह वो तस्वीर हो गई, यह प्यार के मदिरा सर है मेरे सनम, यह प्यार के मदिरा का सर है मेरे सनम, असर है मेरे सनम, असर है मेरे सनम, तुम रांझा मेरे मैं तुम्हारी हीर हो गई, तुम रांझा मेरे मैं तुम्हारी हीर हो गई, तुम रांझा मेरे मैं तुम्हारी हीर हो गई।
बहुत ही बढ़िया आप सब सुन रहे हैं। आइए कुछ पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ। साहब, मंचों पे बहुत सारे मुक्तक, गीत, गजल, छंद होते हैं, किंतु अगर कुछ अच्छी से अच्छी पंक्तियाँ आप सबके बीच में जोड़ी जाए, कही जाए, सुनाई जाए, तो वो आप लोगों के लिए भी उपलब्धि और हमारे लिए भी उपलब्धि है। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मोम पत्थर को करे इश्क अजब हस्ती है, मोम पत्थर को करे इश्क अजब हस्ती है, सांप रस्सी बनार लाश बनी कश्ती है, सांप रस्सी बनार लाश बनी कश्ती है, कोई तुलसी ही जमाने को बता पाएगा, कोई तुलसी ही जमाने को बता पाएगा, प्राण से प्यार क्यों रत्नावली की बस्ती है, प्राण से प्यार क्यों रत्नावली की बस्ती है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ऐसे श्रृंगार रस जगता है, भैया उठ के वीडियो बनाने लगे, ये माला देने लगे, ऐसे मतलब इसके पहले जितने पढ़े सब निरर्थक कवि थे, यही दो लोग सार्थक आए हैं, बाकी लोग वैसे बारात में खाने आए हैं शंकर जी के। स्वागत है भाई साहब। पक्ष दो ही होते हैं, और एक मायका और एक ससुराल। आज मैं ससुराल पक्ष में हूँ, तो उन्हीं की बात तो ये लोग भी वही समझ रहे हैं कि आप ससुराल पक्ष हैं, वो थोड़े बहन समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ससुराल पक्ष ही समझ रहे हैं। और बसंत में कोई ससुराल में नई नवेली दुल्हन आई हो तो पहले मुंह दिखाई में उसके कैसे स्वागत होता है, इसके लिए मुंह दिखाई की तालियां बजा दीजिए, ताकि इनको पता चले कि ये ससुराल में आई है। इधर देखिए, दादाजी घात लगा के बैठे हैं, मुंह दिखाई है। ये देखिए, आपके लिए कुछ आया है, मुंह दिखाई इधर इधर से आया है, मैं इसकी गिनती नहीं करूंगा। मनोज अग्रहरी जी आए हैं, ये आप रख लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, रख दीजिए, ये आशीर्वाद समझ के रख लीजिए, कोई नहीं रख दीजिए, मैं बाद में। हम तो रख ही लेंगे, हम तो पंडित हैं, हम तो सबके हिस्से का रख सकते हैं, हमको क्या है, हमारे में कोई दोष नहीं है। परंतु ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि हमारे ससुराल वाले रामलाल और श्यामलाल के बारात की तरह हैं। बिल्कुल, कभी बैंड अच्छा बजा तो इधर नाच ले, कभी बैंड अच्छा बजा तो इधर नाच लिए, नाचना है तो किसी किसी एक साइड में नाचिए, हमारी तरफ नाचिए। सुनिए, मैं पढ़ती हूँ। धरती गगन की प्रांजला क्यों ढूंढ रही है, धरती गगन की प्रांजला क्यों ढूंढ रही है, मेघों का वरण चंचला क्यों ढूंढ रही है, मेघों का वरण चंचला क्यों ढूंढ रही है, पत्थर के जिगर वाले न समझेंगे विभा, पत्थर के जिगर वाले न समझेंगे विभा, समझेंगे विभा, समझेंगे विभा, दुष्यंत को शकुंतला क्यों ढूंढ रही है, दुष्यंत को शकुंतला क्यों ढूंढ रही है, दुष्यंत को शकुंतला क्यों ढूंढ रही है। ये लोग भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं। मेरी कविता मेरी कला की तरह, मेरे जीवन में चंचला की तरह, प्यार दुष्यंत की अंगूठी है, तुम न भटको शकुंतला की तरह। सुनिएगा, इसको ज्यादा इधर से आनंद आ रहा है, असली देवर यही है, समझ जाओगी। सुनिएगा, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ब्रांड कुछ भी हो, यहाँ सिर्फ नाम चलता है। आज रंग भरी है, वैसे मैं ऐसी कविताएं नहीं पढ़ती हूँ, किंतु हो रहा है तो कुछ पंक्तियां देनी चाहिए। अगर कोई सामने से किसी बहू को छेड़े तो बहू का भी हक होता है कि वो अपने ससुर को बोल सके। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ। ब्रांड कुछ भी हो, यहाँ सिर्फ नाम चलता है, दिल फरेबों का महज ताम झाम चलता है, दिल फरेबों का महज ताम झाम चलता है, मस्त रहते हैं मियाँ दूसरों की बीबी में, मस्त रहते हैं मियाँ दूसरों की बीबी में, इनकी वाली से पड़ोसी का काम चलता है, इनकी
बढ़िया रहा। जगा दिया। अरे कुछ ना भैया, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम किसी का भला होता है। और कभी सम्मेलन नहीं होता है उस दिन इनके भी पड़ोसी का भला होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा है, स्वागत है, सुनाए आप। आइए, मैं कुछ पंक्तियां और आप सबके बीच में पढ़ती हूँ, सुनेगा। लोग क्यों प्यार निभा करके तोड़ देते हैं, लोग क्यों प्यार निभा करके तोड़ देते हैं, एक अनमोल रतन पाके छोड़ देते हैं, एक अनमोल रतन पाके छोड़ देते हैं। निभाना प्यार तो सीखो गुलाब फूलों से, निभाना प्यार तो सीखो गुलाब फूलों से, जो टूट कर भी दो दिलों को जोड़ देते हैं, जो टूट कर भी दो दिलों को जोड़ देते हैं, जो टूट कर भी दो दिलों को जोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी कविताएं सिर्फ अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों को समझ में आ रही है। क्या आप सब जितने भी पीछे बैठे हैं, क्या आप तक मेरी आवाज़ जा रही है? जा रही है। अगर सुनाई दे रही है तो आप सब भी अपनी तालियां और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुनिएगा, कुछ पंक्तियां और पढ़ती हूँ। निगाह कुछ भी कहे दिल से भूल मत करना, क्या बात। निगाह कुछ भी कहे दिल से भूल मत करना, गुलाब जिंदगी है तो बबूल मत करना, गुलाब जिंदगी है तो बबूल मत करना, तुम्हारे दिल को खिलौना समझ के जो खेले, तुम्हारे दिल को खिलौना समझ के जो खेले, कभी तुम उसकी मोहब्बत कबूल मत करना, कभी तुम उसकी मोहब्बत कबूल मत करना। और आइए मैं अपनी चार पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं और सीधे सीधे गीत तक चलूंगी। सुनिएगा, चार पंक्तियां पढ़ती हूं, जिन पंक्तियों के माध्यम से मैं विभा सिंह पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती हूं, जिन चार पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना नाम दर्ज कराती हूं कवि सम्मेलन के मंचों पे, देश दुनिया में जानी जाती हूं। वो चार पंक्तियां मेरी पहचान की पंक्तियां हैं। देश के चाहे जितने भी सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हूं, उनकी चंद लाइनें कुछ पंक्तियां ही उन्हें अमरत्व देती हैं, वही पंक्तियां मुझे भी अपनी पहचान बनाने को देती हैं। और वो पंक्तियां मैं आप सबके बीच में पढ़ती हूं, खड़े होकर के ना जाने कितने सारे लोग महफिल में होते हैं, आप समझो कि एक करोड़ों की महफिल होती है जिसमें लोग खड़े होकर के खूब तालियां बजाते हैं। आज मैं पांडवों की महफिल में ये पंक्तियां पढ़ती हूं और देखती हूं कि आप सब कितना बढ़िया सुनते हैं और उन पंक्तियों पे कितना अच्छा आशीर्वाद देते हैं। पढ़ती हूं, सुनिएगा। स्वागत है। हर वक्त जहर पीने का एहसास दे दिया, हर वक्त जहर पीने का एहसास दे दिया, होठों की घनी पाखुरी को प्यास दे दिया, होठों की घनी पाखुरी को प्यास दे दिया, दिल को सजा सजा के अयोध्या किया मगर, दिल को सजा सजा दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया, दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया, दुनिया ने मेरे राम को बनवास दे दिया। आइए मैं गीत पढ़ रही हूँ आप लोग के बीच में। गीत आप समझिए कि आप लोग के बीच में पढ़ रही हूँ, आप लोग की प्रतिक्रिया अगर अच्छी आई तो पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगी। पढ़ती हूँ गीत, सुनिएगा। आप सब अपने तालियों का हौसला मुझे देते रहें, आपकी तालियां मेरे लिए एनर्जी का काम करती हैं, मेरे लिए क्या पूरे कवियों के लिए करती हैं, तो आप सबकी मंद और रिदम भरी तालियां आएंगी तो मेरा गीत सफल हो जाएगा। मैं गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कभी करार किया कभी इनकार किया, कभी करार किया कभी इनकार किया, नींद आंखों की उड़ी दिल बेकरार किया, ऐ मेरे जान
जिगर कैसा तूने प्यार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया कभी ऐसी तालियां मत, ये दो चार लोग मत बजाइए, पूरे भीड़ का लोड आप लोग के ऊपर पड़ रहा है, मत बजाइए। सुनिएगा, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, नींद आंखों की उड़ी दिल बेकरार किया, ए मेरे जान जिगर कैसा तूने प्यार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया कभी इकरार किया कभी इनकार किया, झूठे सपने मुझको दिखा के, झूठे सपने मुझको दिखा के, मीठी बत्तियों से बहला के, मीठी बत्तियों से बहला के, धोखे से दिल मुझसे लगा के, धोखे से दिल मुझसे लगा के, जालिमा फूल से खाबों को तूने खार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, नींद बहुत बहुत आभार आंटी जी। सुनिएगा, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, नींद आंखों की उड़ी दिल बेकरार किया, जान जिगर कैसा तूने प्यार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, मैं तो बाबुल की एक गुड़िया, मुक्त गगन में उड़ती चिड़िया, मैं तो बाबुल की एक गुड़िया, मुक्त गगन में उड़ती चिड़िया, प्यार का दाना डाल बहलिया, प्यार का दाना डाल बहलिया, चुपके से फांस लिया दिल मेरा शिकार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, नींद आंखों की उड़ी दिल बेकरार किया, नींद आंखों की उड़ी दिल बेकरार किया, ए मेरे जान जिगर कैसा तूने प्यार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया। आगे बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा, इसकी हकीकत समझ न पाई, इसकी हकीकत समझ न पाई, एक पत्थर से प्रीत लगाई, एक पत्थर से प्रीत लगाई, पग पग पर है अब रुसवाई, पग पग पर है अब रुसवाई, अपने हाथों ही दिल का दामन तार तार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, नींद आंखों की उड़ी दिल बेकरार किया, ए मेरे जान जिगर कैसा तूने प्यार किया, कभी इनकार किया कभी इकरार किया। अब समझ में आया कि इतनी वाह वाह ये क्यों कर रहा था, ये अपनी चाय बेच रहा है और सोचा कि इसी में अपनी काम चला लेते हैं। सुनिएगा, चाय वाले को कुछ मत कहो, हाँ ना, कब जाने प्रधानमंत्री हो जाए। हाँ। आइए आइए, चौपे जी बहुत लोगों को चाप के रखते हैं, अभी आपको पता ही नहीं है। सुनिए, खुले मंच से इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। आइए मैं कुछ पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ आप लोगों के बीच में, इस गीत का आखिर बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा साहब, आप लोग
लोग के हाथ बजे हुए हैं, फिर भी मुझे कोई उसका मलाल नहीं है, लेकिन मैं ये बंद पढ़ती हूँ और मैं पीछे वालों को आह्वान देती हूँ कि इस आखिर बंद में आप सब मेरा साथ दे दें, क्योंकि अग्रिम पंथी में बैठे जितने भी विशिष्ट और शिष्ट अतिथि हैं वो सभी चाय पी रहे हैं। सुनिएगा, मैं बंद पढ़ती हूँ। अपनी कहानी किसको सुनाऊं, अपनी कहानी किसको सुनाऊं, घायल दिल को क्या समझाऊं, घायल दिल को क्या समझाऊं, प्रीत पुरातन कैसे निभाऊं, प्रीत पुरातन कैसे निभाऊं, ए विभा मेरी खता तुझ पे तो बार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, नींद आंखों की उड़ी दिल बेकरार किया, ए मेरे जान जिगर के सतू ने प्यार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार किया, कभी इकरार किया कभी इनकार। ये थी विभा सिंह जी।